अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरा नाम है आसिफून। इफ्तारी रमजान के लिए आपको ऐसा स्नैक दिखाऊंगी कि आप डेफिनेटली ट्राई करोगे। इन सब सामान आपके घर में है। अगर आप उबले हुए आलू जो मीडियम साइज के लो तो दो लेना, एंड बड़े साइज का लो तो एक लेना। और एक कोतमीरी चाट मसाला है, गरम मसाला पाउडर है, नमक है, धनिया पाउडर है, और ये भुना हुआ जीरा पाउडर है। सब सामान आपके घर में है ना। अगर आपके पास बाई चांस चाट मसाला नहीं हो तो मत डालना, कोई जरूरी नहीं। ये है नींबू का रस, और विदाउट ब्रेड है। हमने इसमें ब्रेड क्रम्स का जरा भी यूज नहीं करना। और ये कॉर्नफ्लोर है, चार चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। अभी सबको पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और अगर आपको मतलब व्हाइट करना हो तो इसमें हरी मिर्ची काट के डालना, या उसकी पेस्ट डालना, या फिर ये लाल मिर्ची डालना। मैं लाल मिर्ची डालती हूँ। इसको अच्छे से, मतलब जो हमारा आटा है उसको अच्छे से, कुछ भी आपको कौन सा भी शेप देना हो वो दे सकते हो। इसको भी पहले कट करती हूँ। देख सकते हो ऐसा ट्रायंगल शेप मेरा आएगा। सो इससे पहले मैं कट कर लेती हूँ, सब बाद में आके क्या करने के वो बता। देख सकते हो, एक सेकंड देख। मैंने ऐसे कट कर लिए, अब देख सकते हो एकदम ट्रायंगल शेप आया है। सो अभी इधर मैंने क्या किया है, दो चम्मच मैदे का आटा, दो चम्मच कॉर्नफ्लोर एंड नमक एंड पानी डालकर इसका अच्छे से ऐसे गोल बना लिया है। और ये मैंने आपको बोला हमने इसमें ब्रेड जरा भी यूज नहीं करने का। सो ये मैंने सेवैया लिए, जो हम उपीट सेवैया का बनाते हैं या फिर खीर बनाते हैं उसमें जो यूज करते हैं। तो सेवैया को मैंने बारीक ऐसे क्रश कर लिया है हाथ से। अभी ये क्या करती है, एक आपको जस्ट दिखा दूँ। ये ऐसा लेने का, इसको पहले मैदे के एंड कॉर्नफ्लोर के आटे में डिप करना, एंड फिर इसको सेवई में डुबाना। एंड अगर आपको समझो इसको फ्रोजन करना, बिकॉज मुझे कमेंट में आते हैं कि आप फ्रोजन ये रेसिपी को कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको फ्रोजन करना तो क्या करना, इसको ऐसे ही मतलब जिपलॉक बैग में भर के आप रख देना इजिली, तो एक महीने तक टिक सकते हैं। बट मुझे तो फ्रोजन नहीं करना। और अगर आपको फ्रोजन भी नहीं करना तो अभी इसको मत फ्राई करना, इसको कम से कम आधा घंटा तो फ्रिज में अच्छे से सेट होने देना। इधर ऐसे मैं सब बना लेती हूँ, एंड फिर जब फ्राई का होगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ऐसे कॉर्नफ्लोर में डालना, कॉर्नफ्लोर एंड मैदे के आटे में, इसको सेवईयों में। हमने इसमें जरा भी ब्रेड क्रम्स का या ब्रेड का जरा भी यूज नहीं किया है। तो मुझे याद से कमेंट में बताना कि आपको पोटेटो नगेट्स बोलो या पोटेटो ट्रायंगल बोलो, ये आपको कैसा लगा, अच्छा लगा नहीं लगा। देख सकते हो लुक वेरी नाइस ना, आप कौन सा भी शेप भी दे सकते हो। ऐसे इधर सब बनाते हो, सब रखते हो, इसको आधा घंटा बेचारे को फ्रिज में रखती हूँ। देख सकते हो पोटेटो ट्रायंगल फ्रिज में मैं रखी थी। इधर मैंने तेल भी गरम करने को रख दिया है। सो इसको अभी ऐसे देखो, ऐसे बना के आप फ्रोजन कर सकते हो डीप फ्रिज में, एक महीने तक इजीली चल सकेंगे अगर करना हो तो आपको। अभी तेल गरम करने रख दिया था, उसमें मैं फ्राई करती हूँ। तो मुझे याद से कमेंट में बताना, जस्ट ओनली टू आलू से ही मैंने पोटेटो ट्रायंगल बनाए हैं, या पोटेटो नगेट्स बोल सकते हो, जो भी बोलना हो आप बोल सकते हो। तो वेरी इजी सिंपल है ना, आप इसको कौन सा भी शेप भी दे सकते हो आपके अकॉर्डिंग। मतलब किसी का मन कैसा रहता है, किसी का मन कैसा रहता है, वो अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। और मस्त लगेगा, जरूरी नहीं है कि नॉन वेज अच्छे लगे, वेज भी अच्छे लगते हैं। आप ट्राई जरूर करना है, मुझे कमेंट में भी बताना। और सेवैया की वजह से इतनी क्रिस्पी होते हैं वो, और लुक भी अच्छा आता है। देख सकते हो कलर कितना अच्छा आ गया है। तो अभी वीडियो को मैं इधर ही स्टॉप करती हूँ, बाकी की ये देख सकते हो फ्राई करती हूँ, देती हूँ पप्पा उनको। तो मुझे याद से कमेंट में बताना कि आपको वेज पोटेटो ट्रायंगल कैसे लगे, अच्छे लगे नहीं लगे, कमेंट में जरूर बताना। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना आसिफ फुंडेडा, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन।
ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। देख सकते हो कलर अच्छा लगता है ना, ऐसे ब्राउन कलर ना, एंड मुझे कमेंट बताना। वेरी क्रिस्पी भी होते हैं, अंदर से एकदम सॉफ्ट है और बाहर से एकदम क्रिस्पी। अल्लाह हाफिज़।